रिश्वत लेते हुए कर्मचारी रंगे हाथों दबोचा गया है। आरोपों की माने तो मकान की प्रॉपर्टी आईडी बनाने के नाम पर नगर परिषद के कर्मचारी ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बता दें कि पीड़ित आरोपी कर्मचारी को पहले 7,500 रुपए दे चुका था। आज 2,500 रुपए रंगे हाथों लेते हुए विजिलेंस ने काबू किया है। पीड़ित ने बताया कि उसको एक मकान की प्रॉपर्टी आईडी बनाने के नाम पर एक महीने तक चक्कर कटवाए। एक महीने के बाद नगर परिषद के कर्मचारी ने आईडी जारी करने के लिए 10,000 रुपए मांगे। बता दें कि आरोपी का नाम सुरेश कुमार है। विजिलेंस ने आरोपी को गिरफ्तार करके करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित ने कहा कि नगर परिषद के कर्मचारी लोगों को परेशान करते हैं और फिर पैसे ऐंठते हैं। बताते चले कि जींद में रिश्वत लेते हुए कर्मचारी रंगे हाथों दबोचा गया है। आरोपों की माने तो मकान की प्रॉपर्टी आईडी बनाने के नाम पर नगर परिषद के कर्मचारी ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। गौरतलब है कि पहले भी प्रदेश में रिश्वत लेने के मामले सामने आ चुके हैं। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार भी सख्त नियम बना रही है, लेकिन फिर भी सरकारी कामों में अभी भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। भाई साहब, मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैं यहाँ पे विजयनगर में रहने वाला निवासी हूँ। मैंने ना 15 दिसंबर को मेरी फाइल लगाई थी मार्केट कमेटी नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईडी लेने के लिए। तो इन्होंने मेरा लगभग 1.5 महीने तक इन्होंने मेरे चक्कर कटवाए। बाद में इन्होंने मुझसे 10,000 रुपये की मांग की, जिसमें से मैं इनको 7,500 रुपये पहले दे चुका हूँ। और आज 7,500 रुपये देने के बाद भी इन्होंने मेरा काम नहीं किया। फिर इन्होंने मैंने परेशान होकर 2,500 रुपये और आज इनको दिए हैं। और आज फिर मैंने इनको रंगे हाथे पकड़वाया। शिकायत किसको दी थी? क्या जी, शिकायत किसको दी थी? शिकायत विजिलेंस ऑफिस में इंस्पेक्टर साहब को। किस लिए आपने, क्या मामला था, कौन आपसे पैसे मांगता था? ये सुरेश कुमार है जी, ये नगर परिषद में खिड़की नंबर 7 पे बैठता है। तो प्रॉपर्टी आईडी? हाँ, प्रॉपर्टी आईडी लेने के लिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील शर्मा है। ये विजयनगर के अंदर सुनील कुमार का प्लाट था और उसकी आईडी तैयार करवाने के लिए नगर परिषद में सुरेश कुमार 4th क्लास था, जो कि 7,500 इसने पहले ले लिए थे और 2,500 रुपये आज लेने की एवज में रेड करी, जिसको रेड हैंडेड काबू कर लिया। तो ये कितने पैसे इसने मांगे थे और आज कितने पैसे देते हुए पकड़ाए? 10,000 रुपये मांगे थे, 7,500 पहले दे दिए थे और 2,500 आज रेड हैंडेड हुआ। तो अब इसमें की क्या कार्रवाई रहेगी? अभी पूछताछ जारी है। नहीं, मामला दर्ज कर लिया इसमें? हाँ, मामला दर्ज कर दिया, पूछताछ करप्शन एक्ट। हाँ, करप्शन एक्ट। सर, जो 2,500 रुपये आपने दे दिए, क्या आपकी तरफ से प्रोवाइड किए गए थे? फिर नहीं, मुदई ने दिए बनाई गई थी। हाँ, तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। ठीक है, ठीक। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।